Difference A. Question number 5, part 1. S take 4 S, root S. So, take 5, part 1. This is the 5 root S. Y put to X raised to power X into root X. Root X to power X raised to power half. Root X to power X raised to power half. Get it? So, take in multiplication of same base power added. This is from calculation. इसको लिखते हैं y equal to x raised to power x of plus 1 by 2 ठीक क्योंकि x x का बेस सेम है इसलिए power of y ठीक है अब इसको क्या करते हैं जैसे function raised to power function है जब function raised to power function होता है या product and quotient of complicated function होता है तो उस केस में क्या करते हैं लॉग ले करके गिवन फंक्शन को सम डिफरेंस या सिंपलेस फॉर्म में बदल देते हैं ठीक फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका आप क्या करें लॉग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग f रेट पर x प्लस 1 बाय 2 ठीक है तो लॉग y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2 लॉग ऑफ x हो जाएगा है ना अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करके हम लेगा डी बाय डी एक्स लॉग ऑफ y इज इक्वल टू ए डी बाय डी एक्स एक्स प्लस 1 बाय 2 इनटू लॉग x है ना ये आपका फर्स्ट फंक्शन है आपका सेकंड तो इसको क्या लिखेंगे डी डी बाय डी वाई लॉग ऑफ ना क्योंकि जब यहाँ वाई है यहाँ भी वाई रहेगा तभी डिफरेंशिएट होगा तो देखिए डी वाई को इससे हमने डिवाइड कर दिया डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया और डी एक्स ऑलरेडी है ये यहाँ डी एक्स लिख दीजिए ठीक तो इसको क्या हो जाएगा इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा प्रोडक्ट रूल में तो प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए इसमें तो रेस्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो एक्स प्लस वन बाई टू इसका फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स का वन हो जाएगा वन बाई टू का जीरो हो जाएगा ना सेकेंड फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा प्लस फर्स्ट फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाई एक्स होता है ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा वन बाई वाई हो जाएगा क्या हो जाएगा वन अपॉन वाई तो वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस वन बाई एक्स ये वन बाई एक्स तो वन प्लस वन अपॉन टू एक्स हो जाएगा ठीक है तो वाई को क्या करना लेफ्ट साइड राइट साइड कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा dy/dx is equal to y into log x ठीक है और फिर प्लस वन प्लस वन पॉइंट टू एक्स अब y को बाय कर देते हैं y को बाय करें कितना होगा y को बाय करेंगे तो x रेट पर x रूट ऑफ x हो जाएगा और फिर log ऑफ x हो गया और फिर प्लस वन प्लस वन अपॉइंट टू एक्स ये आपका आंसर हो गया देखिए अब सेकेंड पार्ट है देखिए एक्स रेट फॉर एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना और इसमें क्या करेंगे इसको भी लॉग इसका भी लॉग लेंगे पार्ट है ये 5 पार्ट सेकंड
is basic. और log of x basic है ये. तो जगह x rate for x log ex basic है ये. ex basic. y is the base. अब the product of two function. Product of two function है. तो इसको differentiate कर देते हैं. सारे log में देते हैं. तो taking log in both side. तो log y is equal to कितना हो जाएगा? log y is equal to log x rate for x और into log ex base. Thank you.
dy by dx is equal to y, y को मैं कर दीजिए, तो y को लो पर x रेट for x और 1 plus log x, 1 plus log x है, और इधर right side में आपको मिला है, right side में 1 plus log x और plus this में है, 1 plus log x, 1 plus log x. 1 plus log x plus this, 1 plus log x plus this, okay? तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो जगह 1 plus log x whole square plus 1 upon plus 1 upon x log of x 1 plus log x 1 plus log x तो देखिए 1 plus log x से 1 plus log x कट जाएगा इससे क्या हो जाएगा फेज तो ये फेज फॉर x बाहर हो जाएगा dy by dx is equal to x rate for x और ब्रेकअप का जैसे होगा 1 plus log x whole square upon x will be upon x लिख के अपने आंसर आंसर ठीक x रेट फॉर x ब्रैकेट में हां 1x हां 1/x 1/x प्लस हां ब्रैकेट में 1 प्लस log x रेट टू पावर 2 हां क्लोज ब्रैकेट अपॉन x नहीं log x है रेट टू पावर 2 है हां नहीं अपॉन नहीं टोटल में अपॉन है कौन कौन सा अपॉन नहीं है One by x plus four x plus two. So it's a two. Total money. So rest of first. Differentiation of second. हाँ यहाँ x multiply. A x यहाँ multiply है ना? क्योंकि दूसरे फंक्शन का आप differentiate करें पहले. एक्स मल्टीप्लाई में चलेगा जब एक्स मल्टीप्लाई में चलेगा ठीक है तो ये एक्स इसको काट देगा ये एक्स है ना इसको काट देगा तो जब इसको अलग करेंगे यहाँ पर एक्स से एक टर्म आगे बढ़ा लीजिए एक्स रेट पर एक्स हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन प्लस लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स फोर ये ओके चलिए काफी है राइट देखिए यहां पर जो है इसमें फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक रेस्ट ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड है ना फिर क्या करेंगे रेस्ट ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ Thank you.
सेकंड पॉइंट देखिए, ये डब्ल्यू है तुम्हारे पास, ये डब्ल्यू लिखा के रख दीजिए। फाइव पार्ट सेकंड वाई इक्वल टू एक्स रेट फॉर एक्स वन प्लस लॉग टेकिंग लॉग इन बोथ साइड लॉग वाई लॉग एक्स रेट फॉर एक्स प्लस लॉग वन प्लस लॉग है ना, ये चीज हो गया हमारा x log x और प्लस प्लस log log 1 प्लस log है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इस log y के डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन y डिवाइड बाय dx है ना, इसका क्या होगा x इनटू 1 बाय x प्लस वन इंटू लॉग इसका डिफरेंस इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका रेस्ट इसका डिफरेंशिएशन ना, इससे क्या होगा वन इसको डी बाई डी लॉग की माने वन बाई टी हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, ये चीज ठीक है। तो ये हो गया वन प्लस लॉग एक्स हो गया प्लस वन अपॉन एक्स एक्स वन प्लस लॉग एक्स ना वन प्लस लॉग एक्स ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं फिर वन अपॉन वाई डिवाइड बाई डी एक्स तो ये डिवाइड बाई डी एक्स एक्स फोर हो जाएगा वाई एलसीएम ले लीजिए क्या हो जाएगा वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग ये वाई की वैल्यू वापस कर देते हैं तो वाई की वैल्यू वापस कर देते हैं तो वाई कितना एक्स रूट एक्स एक्स रूट एक्स नहीं एक्स रेट फॉर एक्स वन प्लस लॉग एक्स है ना। दूसरे टर्म में एक्स प्रॉब्लम हो गया,
चलिए कॉपी करिए।